जब दुनिया का पूरा ध्यान इमरान खान एंड मंडली की कश्मीर नौटंकी पर था, तब भारत के खाते में एक बड़ी उपलब्धि जोड़ने की तैयारी हो रही थी। यहां भारत और पाकिस्तान की सोच में यही बड़ा फर्क दुनिया देखती है। जहां पाकिस्तान केवल कश्मीर पर गधैया नृत्य की उम्मीद में बेचैन है, वहीं भारत कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दुनिया को बताने के अलावा अपने व्यापारिक हितों और कूटनीति को मजबूत करने में जुटा है। पर बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लिहाज से दो खबरों को इतनी वरीयता नहीं दी। उन्हें हास्य पर धकेल कर केवल चर्चित मुद्दों पर ही अधिक टीका टिप्पणी चल रही है। दरअसल यह तय हो चुका है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक कूटनीति की दिशा तय करने में हिंद महासागर क्षेत्र की भूमिका बहुत अहम होगी। प्रधानमंत्री मोदी अब इसका फायदा उठाने के लिए अपना कूटनीतिक पासा फेंक चुके हैं। इसके लिए भारत ने प्रशांत महासागर क्षेत्र के छोटे छोटे देशों को पहली बार साधने की कोशिश की है। इस क्रम में न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में मोदी ने इन देशों को 15 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह मदद बेहद आसान शर्तों पर कर्ज के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही इन सभी देशों को 10-10 लाख डॉलर का अनुदान भी देने का ऐलान किया गया है। जिन देशों के साथ मोदी की बैठक हुई है, उनमें फिजी, किरीबाती, मार्शल आइसलैंड, माइक्रोनेशिया, नोरू, पलाऊ, पापुआ नूगिनी, समोआ, सोलोमन आइसलैंड, टोंगा, टिवालू और वानातु जैसे देश हैं। गौरतलब है कि भारत अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र के देशों के साथ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन नाम से एक संगठन का निर्माण कर चुका है। बड़ी बात यह है कि भारत के इस प्रयास से चीन को बड़ा झटका लगा है। इसे सीधे सीधे चीनी पड़ोसियों को अपने पाले में करने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह देश क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से बहुत छोटे हैं, मगर यह खनिज संपदा से लबालब होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर जब से साउथ चाइना सी का विवाद सामने आया है, तभी से प्रशांत महासागर में स्थित छोटे छोटे देशों की अहमियत बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से इन देशों को कई तरह की आर्थिक मदद दी जा रही है, तो चीन भी इन्हें लुभाने की कोशिश में है। चीन सरकार भी लगातार इन देशों के प्रमुखों के साथ अलग अलग मंचों पर बैठक कर रही है। इन देशों की आर्थिक, रणनीतिक व राजनीतिक महत्व को हर बड़ी शक्ति स्वीकार कर रही है। भारत ने वर्ष 2014 से ही इन देशों पर खास तवज्जो देना शुरू किया है। इनमें से कई देश बेहद छोटे हैं, लेकिन इनके पास हाइड्रोकार्बन का बड़ा भंडार भी है। इससे पहले भी भारत इनके साथ दो बैठकें कर चुका है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इसके आयोजन को हरी झंडी दिखा दी और तय हुआ कि अब इनके साथ भारत अपने संबंधों को और अधिक विस्तार देगा। इसके लिए मोदी ने ऐलान किया कि इन देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भारत लाकर उन्हें प्रशिक्षित करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में हर तरह की मदद दी जाएगी। साथ ही अब इन देशों के प्रमुख व्यक्ति आसानी से भारत आ सकेंगे और यहाँ प्रशिक्षण ले सकेंगे। मोदी के इस कूटनीतिक दाव से चीनी खेमे में हड़कंप मच गया है। भारत ने जैसे इन देशों के लिए अपना खजाना खोला और उन्हें सुविधाएं प्रदान की, उससे चीन के कान खड़े हो गए हैं। कमाल की बात तो यह है कि इन सभी देशों ने भारत के प्रस्ताव को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि भारत के साथ चलने में भी अपनी रुचि दिखाई है। चीन के माथे पर शिकन का कारण यही है कि प्रशांत क्षेत्र के इन छोटे देशों का एक साथ भारत की तरफ झुकाव होने से अब अमेरिका और भारत साउथ चाइना सी में उसकी घेराबंदी और मजबूत कर सकेंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।